इसका संक्षेप से मैं कथन करूंगा वसुधैव आचार्य, मैं कथन करूंगा गुच्छा वक्षे निर्धर परसाई पूरी गुहिराय आय दुर्गंधाई अस्वभाव यहाँ हाई निचम नरेशु पत्तिठाणाई नरेशु उत्पत्ति ठाणाई। नरकों में जो उत्पत्ति स्थान है वे कैसे हैं? तो बोले निचम हमेशा से अनादि से आई निठुर अनुसाई अत्यंत निष्ठुर स्पर्श वाले वो स्थान। हुई रुहिराई अपवित्र तो रुधिर आदि रूप है वो स्थान। आई दुर्गंध है अत्यंत दुर्गंधित है और अशुभाव या हाई अशुभावने नरकों में जो उत्पत्ति स्थान है ऐसे ऐसे तो तेसु समुपन्न आहारेण पोगले असुहे अंतो मुहूर्त काले पज्जती और समाने। वह जीव व्यसनी जीव उन स्थानों पर समुत्पन्न होता हुआ अशुभ पुद्गलों का आहरण करके तथा वो जो पर्याप्तियां करता है उसमें औदारिक शरीर वहां पर वैकरिक शरीर है मनुष्य और तिरंज पर्याय में औदारिक शरीर है तो उनके योग्य पुद्गलों को अशुभ पुद्गलों को अंतो मुहूर्त काल अंतर मुहूर्त काल तक समाणी पर्याप्तियों के रूप में ग्रहण कर लेता है। अंतर मुहूर्त तक के वो पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है पुद्गलों को ग्रहण कर और वो पुद्गल जो होते हैं जो पर्याप्ति के काम आते हैं वो प्राण के आधार होते हैं। पर्याप्तियां जो है प्राण में कार्य के कारण है और प्राण जो है वो पर्याप्तियों के कारण है। छह पर्याप्तियां होती है और 10 प्राण होते हैं तो 6 पर्याप्तियां 10 प्राणों में कारणभूत होती है और 10 प्राण 6 पर्याप्तियों के कार्य रूप होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि व्यसन करने वाला जीव उन अत्यंत भयंकर जन्म स्थानों में नरकों में पहुंच करके उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते समय वो वहां के ऐसे अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करके अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है। सबसे पहले प्राण धारण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं दंडति महि वीडे मसहंतु सहसा उपड़ी पड़ दिपुण पड़ई। तो उस उत्पाद स्थान से निवड़ई पज्जतयो पर्याप्तक होने के बाद वह उस स्थान से उछल जाता है एक डंडे के समान जैसे कोई भाला छूटा हो वहां से वैसे वो ऊपर की तरफ उछलता है और फिर मही पीड़े मही वीड़े निबड़ेगी फिर से वहां की जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के पीठ पर आकर के निपतित होता है गिरता है और अई कक्कड़ मसहंतु वो अत्यंत कर्कश उस धरातल को उस मही पीठ को न सहन करता हुआ सहसा उपड़ दी वहां से फिर उछलता है जैसे उसका स्पर्श होता है तो वहां से वापस उछलता है वो स्पर्श बहुत ही कर्कश होता है उसको सहन नहीं होता तो वहां से उछलता है फिर नीचे गिरता है। जय कोवी उसण निरहे जय कोवी उसण उसीण न रहे
मेरु प्रमाणम खवेलो हंडम नवि पावई धरणी तलम विलिचितम अंतराले भी। अब आचार्य कहते हैं कि उष्ण जो नरक होते हैं, उष्ण नरक में यदि कोई भी मेरु के बराबर लोह लोखंड का क्षेपण करता है, खिवई माने ऐसे प्रथम पृथ्वी में मेरु जितना बड़ा लोहे का पिंड ऐसे डाल दिया जाए, तो फिर नहीं पावई भव धरणी तलम, वो वहां की धरती को छू नहीं पाता, वो अंतराल में विलिज, अंतराल में ही पूरा पिघल जाता है। अहते वंडम तत्तम खिवे जय को विसीयणरयम सहसा धरणिम पत्तम सडिज्जतम खंड खंडे ही। अथवा ते वंडम उतना ही बड़ा लोहे का गोला जय को विसीयणरयम खिवे, यदि कोई शीतल पृथ्वियों में नरकों में क्षिप्त करता है, गर्म पृथ्वी में डाला तो फिर जमीन को छूने के पहले वो पिघल गया, और शीत पृथ्वी में डालने पर शीत में क्या होता है कि जैसे अपनी त्वचा वगैरह फट जाती है, दरारें आ जाती है, तो वैसे ही वो जो मेरु के बराबर लोह पिंड है वो इतना ठंडे नरकों में धरणिमा पत्तम वहां की धरा को प्राप्त न करते हुए खंडित सहस खंड खंडे वो वही शटित हो जाता है और खंड खंड में बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है इसके। मतलब ये बताना चाह रहे हैं आचार्य महाराज कि वहां की उष्णता कितनी है और वहां की शीतलता कितनी है। यहाँ वाराणसी में जब ठंड पड़ती थी तो फिर ज्यादा ठंड पड़ने पर ये हाथ पहले लाल हो जाते थे, फिर ब्राउन हो जाते थे, फिर अगर काले हो जाए एकदम ठंड में तो फिर वो तो बहुत मेडिकल सिचुएशन हो जाती। और वाराणसी की तो बात छोड़ो, आप उसके और भी उत्तर भारत में हरिद्वार वगैरह में और ऊपर चले जाए बहुत भयंकर ठंड रही, और जहाँ सैनिक लोग तैनात हैं -30, -40, -60 तक के टेम्परेचर चले जाते। और यहाँ तो इतना ठंड है कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई भी सॉलिड वस्तु उस रूप में रह नहीं सकती, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि श्रिंक होता है, गर्मी में फैलती है कोई वस्तु, ठंड में सिकुड़ती है, तो वो सिकुड़ेगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सहसा सटिच खंड खंडे, सहसा ही वो बिखर जाता है, खंड खंड होकर के बिखर जाता है। तम तार इस सीधुन खेत सहावीण हुई निरईसु विषय जावत जीवन वसनस खलेण मू जीव, व्यसन के फल स्वरूप यह जीव उस भयंकर दुख को, उस भयंकर शीत और उष्णता को क्षेत्र के स्वभाव से ही नरकों में जाकर के विशेष रूप से सहन करता है। व्यसन के फल स्वरूप उसको जावत जीवन जब तक उसकी आयु है तब तक सहन करता है। तो तमी जायम इत्ते सहसा दठुणारया सर्वे पहरंत सत्य मुगर त्रिशूल नारायण खगेहि। तो तम्मी जाय मित्र वहां पर जन्म लेने मात्र पर सहसा दठुण नारया सव्वे उसको सारे के सारे नारक जो वहां पर पहले से उपस्थित है उसको देख करके सहसा पहरंति उस पर वार करते तुरंत, यानी प्रवेश के समय ही उनके साथ ये घटना शुरू हो जाती, वो प्रहार करते हैं। किससे प्रहार करते हैं? शक्ति छोड़ते हैं, मुद्गर छोड़ते हैं, त्रिशूल छोड़ते हैं,
नाराज यानी बाण या कीले जैसे जो औजार होते हैं वो छोड़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे रहते हैं कीले जैसे, ऐसे फेंकते हैं तो छुप जाते हैं, वो नाराज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं वो टुकड़े टुकड़े वाले ये औजार जो छोड़ रहे हैं ना उस पर मार रहे हैं, छेद करना, वान, भाला, भाषी, नाराज। खक्के ही मतलब खड़गों से, तलवारों से प्रहार करना। तो खंडी सब वंगु करुण पलावन रुवे दीन मुह पभड़ंति तौर उठा किं कंदसि रेतुया यारम। तो उसको सर्वांग से खंडित करते हैं उल्लू, और जब खंडित करते हैं तब वह करुण प्रलाप करता है, रुवे रोता है, दीन मुख हो जाता है, उसका मुख एकदम दीन हो जाता है, और तब उसको कहते हैं तो वो रुठा दुरायार, वो दुराचारी रुष्ट नारकी उससे कहते हैं, दुराचारी उसके संबोधन में कह रहे कि रे दुराचारी अब क्या चिल्लाते हैं, अब क्या चिल्लाते हैं, बस इतना संक्षिप्त वाक्य बोलते हैं। जो वणमयेण मत्तु लोकसायेण रंजियो उवम गुरुवैणम लंघिता जूयम रमियो जम आसी। फिर उसको याद दिलाते हैं कि तूने जवानी के अभिमान में मदमत्त होकर के लोभ कषाय से रंजित होकर पूर्व भव में गुरु की वाणी का उल्लंघन किया था, और जम जुयम रमियो आसी जो जुआ होता है उसमें तेरा प्रेम था, तू उसमें प्रीति करता था, उसमें रमण करता था, तस फलम गयमागय मलम हिरुणेन विसहरे दुठ रोवंतो विण छुट्टसी कया विपुव कय कम्मस। तस फलम उदयम आ गयम, उसका फल अब उदय में आ चुका है, जो तूने उस समय जुआ खेला था उसका फल भी उदय में आ चुका है। अलम ही रुएण रोना बंद कर हे दुष्ट, विसह सहन कर, क्योंकि रोवन तो विण छुट्टे से, रोने से भी तो छूट नहीं सकता, कया भी कभी नहीं छूट सकता, पूर्वकृत कर्म जो है उससे तुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला। एवं सो ऊण तव मानस दुखम वि से समपन्नम तो दुविह दुख दड्डो रोसाइठो इमं भणि। अब इस प्रकार से सुन करके उसको मानसिक पीड़ा होने लग जाती है, एक तो शरीर में मार पड़ी थी उसको आते ही साथ, अब उसको तस सेकार्थ तस्य होता है संस्कृत में, तो उसको समुत्पन्नम मानस दुखम भी समुत्पन्नम मानसिक दुख भी उसको उत्पन्न हो गया, तो दुवे दुख दड्डो वो दोनों प्रकार के दुख से दग्ध होकर रोसाइट रोष में आविष्ट होकर रोष के आवेश में इमं भणि में ऐसा बोलता है, जैवा पूर्वम भवे जुयम रमियम मई मद मद वसेन तुम्हम को अवराहो कौ बला जीर्ण मम हण। वो बोलता है कि यदि पूर्व भव में मैंने जुआ खेला था और अभिमान वश मैंने ये सब किया था, उसमें रमण किया था, तो मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया कि तुम मेरी पिटाई करो, मैंने जुआ खेला था, मुझे अपने कर्म का फल यहां वैसी सर्दी गर्मी में मिल ही रहा है, तो तुम लोग क्यों मेरी पिटाई करो, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा क्या अपराध किया था मैंने। एवं भणिये कितु न सुठु रुठे ही अग्नि कुंडमी। क्या शब्द है, पज्जलियम निहितु
जेसुस अंग मंगेसु, तो ऐसा सुनने पर रुठे ही वो एकदम रुष्ट हो जाते, जो उसको मारपीट कर रहे थे और उसको बता रहे थे कि तूने पिछले जन्म में ऐसा किया, वो रुष्ट हो करके उसको अग्निकुंड में, उसको पकड़ करके प्रज्वलित अग्निकुंड में निक्षिप्त कर डालते हैं। और सो सब अंग मंगेसु डच्चे, वो अंग प्रत्यंग में दग्ध हो जाता है। तत्तो निसरमाणं दट्ठूणज्झस्सरे अहव कुत्ते हिं पेल्यून रडन तंतत थेव चुहंति अदयाई। फिर उस अग्निकुंड से बाहर निकलता है जैसे तैसे, तो निसरमाणं उसको बाहर निकलता हुआ देख करके जसरे ही अहव कुत्ते ही, हथियारों से अथवा कुत्तों से पेल्यून रडंतम, उसको फिर उसकी पिलाई करते हैं। कुंते ही, अच्छा वो ठीक है, हाँ हमने कुत्ता समझ लिया। असल में वहां पर वैसा भी होता है, श्वास विधाल ऐसा भी लिखा होता है, उस सर्वार सिद्धि की पंक्ति की धारणा से हमने कुंते ही को कुत्ते ही पढ़ लिया। चलो सुधार लेते हैं। तत्तो निसरमालम तस तत्तो निसरमाणम दट्ठूणज्झसरे दट्ठूणज्झसरे अहव कुंते ही पिल्लीयून रडंतम तथेव चुहंति अदयाये। तो वहां से निकलते हुए देख करके वो जसरे ही हथियारों से अहव कुंते अथवा भालों से पिल्ले ऊन फिर उसको छेद करके रडंतम रोते हुए उसको तथेव चुहंति वापस उसको उसी में डाल देते। अदया है, बिल्कुल दया रहित होकर निर्दयता पूर्वक उसको वापस उसी कुंड में डाल देते, अग्निकुंड में। हामुयहम मां पहरह पुणो विण करेम एरि संपावम दंते ही अंगुलीयु धरे करुणं पुणो रुवै। हा मम मण, हा मुझे छोड़ दो, मां पहरह मुझ पर प्रहार मत करो, पुणो विण करेम एरि संपावम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा, और दंते ही अंगुलीयु धरे ऐसे दांतों में अपनी उंगलियां फंसा करके बोलता है, फिर करुणम पुनरुवे फिर करुण रुदन करता है, दांतों में उंगलियां धर करके वापस करुण रुदन करता है। नमुने नमयन्ति तविपावा पेच्छै लीलाय कुणैजं जीवो तंपावं बिलवन्तो एयहि दुःखे नित्थरै। तहवे पावा न मुयंती, तब भी वे पापी नारक उसको छोड़ते नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं कि जीवो जम पावम लीलाए कुणई, जीव जिस पाप को खेल खेल में कर डालता है, तम पावन उस पाप को यही इन इन प्रकारों से जो अभी ऊपर बता के आए, दुखी ही दुखों के साथ विलवंतो निथरे विलाप करते हुए पार कर पाता है, उन पापों के पार को प्राप्त होता है, रोता रोता उससे निस्तार को प्राप्त होता है, यानी हंसते हंसते कमाता और रोते रोते भोगता है भुगतता है। तत्तो पलायुणम कहवी माइण दड्ढ सब वंगो गिरिकंदरम सहसा पविषय शरणंति मन्नंतो शरणंति मन्नंतो। फिर वहां से कहवी जैसे तैसे
दड्ड सर्वंगु सर्वांग दग्ध होकर मायण पलायन कपट से माया से वो पलायन करता है, वहां से भाग जाता है, यानी उन नारकों के बीच से वो भाग निकलता है कपट से, और वहां नरक भूमि में गिरिकंदन में कोई पहाड़ों के गुफा के अंदर सहसा पविसे सहसा प्रवेश कर जाता है, शरणत्ति मंडंतु ये सोचकर कि अब यहां पर मैं सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया, यहां मैं बच गया। तत्थवि पड़न्ति उभरि शिलाउताहि चुन्नियो संतो गलमाण रुहिर धारु रडियूण खणंतौनी। वहां भी उसके ऊपर शिलाओ उभरिम पड़न्ती, उसके ऊपर शिलाएं गिर पड़ती है, जिस गुफा में वो अंदर चला गया तो शिलाएं उसके ऊपर गिर जाती है, और ताही उन शिलाओं के द्वारा चुन्नी और संतु चूर्ण होता हुआ, चकनाचूर होता हुआ गलमान रुधिर धारो उसकी रक्त धाराएं बहने लग जाती है। वैकृत शरीर लेकिन फिर भी ये सारे क्लेश की वहां पर व्यवस्था है, ये औदारिक रक्त अधिक नहीं है, लेकिन वही की विक्रिया उस प्रकार की जो पीड़ा रूप होती है। और रडियूण रोर रो करके खणम तवणी क्षण मात्र में तव वहां से उस गुफा से नी बाहर निकल आता है। नीरयाण शरीरम कीरई जय तिल प्रमाण खंडाई पारदर सुव लग गई अपन कालम विनमरे। नारकों का जो शरीर होता है वो यदि तिल प्रमाण खंडाई कीरी उसके तिल के बराबर भी अगर टुकड़े कर दिया जाए तो भी पारद रसुभ, पारद रस के समान वो थर्मोमीटर के अंदर जो रहता है ना मर्क्यूरी, उसके रस के भी ऐसे कितने वो हो जाते हैं नीचे गिर जाए तो, लेकिन वो जैसे जुड़ करके एक हो जाते हैं, तो उसके समान विलवन वो लग गई फिर वापस एक साथ लग जाते हैं। और अपूर्ण कालम भी न मरे, जब तक आयु का काल पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो मर नहीं सकते, कितना भी कुछ हो जाए वो उसका मरण नहीं हो सकता। तक तो पलायमान रुंभई सो नारी दट्टुन पाइज्जे विलवंतु अयतंबय कलयलम तत्तम। फिर वहां से पलायमान होता हुआ भागता हुआ नारी ही दट्टुन सो रुंभई नारकों के द्वारा देख करके रोक लिया जाता है, और पाइज्जे विलयंतु और वो लोग उसको जबरदस्ती ले जाकर प्राप्त करा देते हैं, किसको कहां प्राप्त करा देते हैं, तत्तम अयतंबय कलयलम तपे हुए लोहे और तांबे के कलकल को, यानी उसके लिक्विड वो रहते हैं ना मोल्टन मेटल, पिघले हुए लोहे और पिघले हुए तांबे में उसको ले जाया जाता है, उस रस उस रस में उसको ले जाते हैं। और पचार जय जंते इयम मज्जम महुषपूर्ण स्वभावे संपाव भलम भक्तम विवेहि अय कलयलम घोरम। फिर उसको पचार जय उसको स्मरण कराते हुए ते कि जम मज्जम महुंच उवभवे पियम, जो तुमने मदिरा और मधु को पूर्व भाव में पिया था, तम पाव फलम पत्तम उस पाप के फल को अभी आज तू प्राप्त कर रहा है, तुझे ये फल प्राप्त हुआ है, इसलिए अय कलयलम घोरम पिबे ही, अब बिना कोई चतुराई किए तू चुपचाप ये पिघला हुआ लोहा पी जा, ये उसका दंड है। कवितो जय छुट्टो अस असिपत्त वर्णम विषयी भय भीयो निवडंति तथ पत्ता इखग सरिसाई अनवरयम। और वहां से भी वो किसी प्रकार छूट जाता है
और अश्विनी पत्र वन में चला जाता है, असिपत्र वन में। असिपत्र वन में जब वो विषय यानी प्रविष्ट होता है, भयभीत होकर के वहां प्रवेश करता है, तो निवडंती तत्व पत्ता है, तो फिर उसके ऊपर वहां के पत्ते गिर पड़ते हैं, उन वहां के वृक्षों के पत्ते गिर पड़ते हैं। वो कैसे रहते हैं वो पत्ते, तो गिरते ही रहते हैं उसके ऊपर, जब तक वो वहां रहता है तब तक उस पर वो पत्ते गिरते रहते हैं, खग सही सही तलवारों के समान रहते हैं वो पत्ते, अनवरत निरंतर गिरते चले जाते हैं उसके ऊपर पत्ते। तो तम्य पत्त पड़नी न छिन्ना न छिन्न कर चरण भिन्न पुट्टि सिरो पगलंत रुहिर धारो कंदंतु सोतो मी। तो वहां पर वह पत्तों के गिरने से हाथ पैर और भिन्न पुट्टी से सिर वगैरह भी अलग हो जाता है, उसके पीठ भी अलग हो जाती है, और पगलंत रुहिर धारो और रुधिर की धाराएं बहने लग जाती है। कंदन तो रोता हुआ सो तौनी, वहां से फिर वो भागता है, उसका शरीर वापस जुड़ जाता है, कितने भी टुकड़े हो जाए वो वापस जुड़ जाता है, तो वहां से फिर वो भागता है जैसे तैसे। फिर तुरियम पलाय माण सहसा धरियुण नारया पूरा चितुण तस मनसम तुंडमे छुहंति तस्सेव। फिर त्वरित तत्काल उस भागते हुए नारक को दूसरे नारक जो क्रूर नारक है वो धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और घितुण तस्स मनसम उसको ग्रहण करके पकड़ करके उसके मांस को तस्सेव तुंडम में छुअन्ति उसके ही मुंह में प्रवेश करा देते हैं, उसका ही मांस उसके मुंह में डाल देते हैं। भूतुम अनच्छम मानम नियमंसम तो भणंतरे दुठ अयमिठम भमीण बखन तो वासिजम पुवं। पर उसके सेवन की इच्छा नहीं करता, वो अपने मांस को खाना नहीं चाहता, तो उसको वो लोग कहते हैं, दूसरे नारक कहते हैं कि ये दुष्ट जम पुवन तूने जो पहले भव पूर्व भव में आई मिठम भणियों भक्खन तो आसे बहुत स्वादिष्ट है ऐसा कर करके तूने खाया तो था मांस, अब अपना मांस खा, ऐसा करके उसको डांटते हैं। तम किंते विसरियम जीर्ण मुह कुरसी कुणसिद्रे पराहुतम एवं भणियों कुसिम शुहंति तुंडम विपजलियम। बोलते हैं कि तम किम ते विसर्यम, क्या तू उस बात को भूल चुका है जिससे तू मुंह को परामुख कर रहा है, पराहुत कर रहा है, मुंह मोड़ रहा है, एवं भणी उन ऐसा कह करके पज्जलियम कुसिम तुंडम मिछुहंती प्रज्वलित कुशों को उसके मुंह में डालते हैं। कुश का अर्थ तो घास होता है, जलते हुए घास को उसके मुंह में डालते हैं, कुश का है यानी हर प्रकार से उसको पीड़ित करते हैं, अपने एक एक यहाँ के दुष्कर्म का उसको परिणाम वहां पर स्पष्ट मिलते हैं। अतिव दाह संता वियोतसा वेरणा समभि भूयो किमिपूय रुहिर पुण्यम वैतरणी नयंतो विषयी। तो अत्यंत तीव्र दाह के कारण संतापित होता हुआ वह तिसा वेदना समभिभूय तृषा की वेदना से समभिभूत हो जाता है, उसको बहुत तेज प्यास लग जाती है, तो कृमियों से और अपवित्र रुधिर से परिपूर्ण वैतरणी नदी में वो प्रवेश करता है कि चलो ये पानी पानी नदी बह रही है तो इसमें से मैं पानी पी लूंगा। तत्थवि पवित्र मित्तु वहां प्रवेश मात्र होने पर खारुण जलेन दड्ड सब वंगु निसरितो तुरियो हाहाकारं पको वंतु। वहां पर प्रवेश मात्र से खारे और उष्ण जल द्वारा
उसका पूरा शरीर दग्ध हो जाता है और तव निःसरित वहां से तुरंत बाहर निकल आता है तुरियो तुरंत और हाहाकार पकु बंतु हाहाकार मचाता वो बाहर निकल आता है। दठुर नारयाणी लमंडवे तत्लोह पड़िमाओ आलिंगा विंति तरहि धर्यून बला विलव माणम। तो जब वहां से निकलकर बाहर भागता है तो नारया दठू नारक लोग देख लेते हैं उसको और देख करके एक नील मंडप होता है वहां पर उसको पकड़ करके ले जाते हैं और तत् लोह प्रतिमा वहां पर तपे हुए लोहे की प्रतिमाएं होती है पिघला हुआ लोहा अलग था पहले ये तपा हुआ लोहा है तपाने के बाद लोहा लाल होता है फिर सफेद होता है उसके बाद पिघलता है तो ये लाल लाल तपे हुए जो लोहे होते हैं लोहा होता है उसकी जो प्रतिमाएं होती है स्त्री जैसी आकृति वाली उन प्रतिमाओं को आलिंगा विनती आलिंगन करवाते हैं वो नारक तहीं धर्यों बला विलव मान वो विलाप करता है लेकिन उसको जबरदस्ती धारण पकड़ करके उनसे आलिंगन करवाते हैं पुतलियों से। अगणिता गुरु वैणम परिथिवेशन च आशिषे वंतो एन्निम तम पाव फलम न सहसि किम रुहसि तम जीर्ण। तूने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया था उनको नगण्य समझा था और परस्त्री और वेश्याओं के सेवन में तू आसक्त रहा था तो एन्निम तम पाव फलम उनका यह पाप फल तुझे प्राप्त हुआ है न सहसि किम रुहसि जमते तम जीर्ण। तो फिर तू अपने कमाए हुए धन का सहन धन को सहन नहीं कर पा रहा और रो रहा अपने पाप फल को क्यों नहीं सहन कर पा रहा ऐसा वो लोग कहते हैं। उव जवे जम उव भवे जम कम्मन पंचिंद्रिय वसंगेण जीवेण हसमाणेण निबद्धम तम किम निथर सिरोवंतु। और फिर कहते हैं कि पूर्वों में जो कर्म पांचों इंद्रियों के वशंगत जीव द्वारा हंसते हंसते विबद्धम बांधा गया तम किम निथर सिरोवंतु तो उसको रोते रोते क्यों काट रहा है ऐसा बोलते हैं। कि कवाय गिद्ध वायस रूवम धरियूण नारया जीव परंति वज्जमय तुम डतिखरे दया कृकवाक गिद्ध वायस यानी कौआ इन सबके रूपों भयंकर पक्षियों के रूप धारण करके नारिया जीव वो नारक जीव ही ऐसे रूप धारण करके वज्जमय तुंड उनके वज्र जैसमय जो तुंड है वज्र का डायमंड होता है वो तो सबसे कठोर था कहलाती एलिमेंट तो उसके और तीक्ष्ण है तीक्ष्ण नखों से दया रहित होकर के पहरंती उस पर प्रहार करते हैं चौंच और नखों का प्रहार करते हैं। क्रिकवाक का अर्थ होता है मुर्गा ये बोलते हैं कुक्कुट मुर्गा कुक्कुट माने मुर्गा ही धर्यूण उड्ड जंगम करकच चक्की ही की फाड़ंती मुसले ही मुगरे ही चुन्नी चुन्नी कुणंति परे। अब कई नारक जो होते हैं वो उसको उड्ड जंगम ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे पकड़ते हैं उसको और क्रकच और चक्रों से उसके पूरे शरीर को बीच से फाड़ डालते हैं और मुसले ही मुगरे कुछ लोग दूसरे जो होते हैं कहीं परे दूसरे जो नारक हैं वो क्या करते हैं उसको पकड़ते हैं और मूसल और मुदगरों से चुन्नी चुन्नी कुणंती चूर्ण चूर्ण कर डालते हैं। जिह्वा छेयण नयनम नफोड़नम दंत चूर्णम दलनम मलनम कुणंती खंडनी तिके तिल मत्त खंडे ही। कोई जीभ काटते हैं कोई आंखों को फोड़ डालते हैं
कोई दांतों का चूरा कर डालते हैं और दलन मलन करते हैं, कई हर प्रकार से उसको पीड़ित करते हैं। और कई तिल मत खंडे ही खंडित, कोई तो तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े करके उसको खंडित कर डालते हैं। अन्ने कलम वालुयो थलम तत्तम पाड़ियुनु लुट्टा विंति रडंतम निहणंति कसंति भूमि। और अन्य जो होते हैं वो कलम वालुयो थलम में गर्म रेगिस्तान में, वालु का स्थल का अर्थ रेगिस्तान होता है, और तत्तम में तपे हुए, कलम का अर्थ कृत बहुत तीखे स्पर्श वाला जो रेत रेत के खंड कण है, उस ऐसे मरुस्थल में और तपे हुए मरुस्थल में उसको पाड़ी उन गिराते हैं और उन्हों गिरा करके लोटा बन विनती उसको लोटने के लिए कहते हैं कि तू ऐसे लोट, पूरा तेरा शरीर छूना चाहिए उसमें रेत से। और रडन तंबू रोता है, और अगर वो नहीं करता तो फिर निहणंती उसको मारते हैं और घसंती भूमि उसको उस धरती पर घसीटते हैं। असुरा विकूर पावा तथ विगंतुण पुभ वेराई सुमराव्यून तव सुमराव्यून तव धमलायंति अन्नुनम जुद्धमलायंति अन्नुनम। क्रूर और पापी असुर भी वहां पहुंच जाते हैं। इतना तो घोरा था वो अपने आप में कम नहीं था, लेकिन वो वहां पहुंच करके उनको याद दिलाते हैं पूर्व भव के वैर का, उसको स्मरण करा करके और आपस में युद्ध करवाते हैं परस्पर उन नारकों को। देख इसने तेरे पैसे नहीं लौटाए, इसने तेरी पत्नी का हरण किया था, इसने तेरी चोरी की थी, ऐसा कर करके। और फिर उससे भी बोलते हैं कि ये भी कम नहीं है, इसको भी कम मत समझना, ये वही दुष्ट है जिसने तुझे फंसाया था। और दोनों में तीव्र कषाय जागृत करके लड़ाते हैं। तीसरी पृथ्वी तक ये स्थिति बनती है, अन्नोन्नम युद्धम लायंति, एक दूसरे को युद्ध में लड़वाते हैं। सत्येव अहोलोये पुडवीयो तत्सय सहस्ताइ निर्याणम चुलसी सेडिंद पैन्नयान हवे। अहोलोये सत्येव पुडवीयो, अधोलोक में सात ही पृथ्वियां हैं, और तत् वहां पर सन सहस्ताइ निर्याण चुलसी 84 लाख नरक, सात पृथ्वियां 84 लाख नरक। और सेरिंद पैन्य आण हवे, और श्रेणीबद्ध इंद्रक और प्रकीर्णक ऐसे नरकों के बिल है व्यवस्थित अनादि से। रैणप सक्कर बालुप पंक धूम तम भाषा तम तम पहाय पुडवी नम जान अणुवत अनुक्रम से इनका जो अनवर्थ नाम है, यानी जैसा नाम है वैसे ही वहां की प्रभा है। पहली पृथ्वी में रत्नों जैसी प्रभा है, दूसरी में शक्कर के दाने होते हैं उसके जैसी प्रभा है, तीसरी में रेत के कण जैसी प्रभा है, चौथी में पंख यानी कीचड़ जैसी प्रभा है, पांचवी में धुएं जैसी प्रभा है, और छठी में तम भाषा, तम यानी अंधकार होता है, अंधकार जैसी प्रभा है, और सप्तम पृथ्वी में तम तम पहा जो प्रगाढ़ अंधकार होता है वैसा वहां पर प्रभा है। तो यथा नाम है, इस तरह ने सात पृथ्वियों का वर्णन पढ़ा है। फिर इसके बाद में वहां की आयु कितनी होती है ये आचार्य महाराज आगामी इसमें बताएंगे। गाता हूँ जैनम जैन शासन।